कॉन्क्रीट। वैसे इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज की। हम देखते हैं कि कॉन्क्रीट वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। आप किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से पूछेंगे तो वो कंसिडर करते हैं कि इसकी लाइफ है 50 to 60 years। लेकिन एक्चुअली इसकी लाइफ कितनी है? उसकी लाइफ है अराउंड 100 to 120 years। लेकिन हमने किसी 100 साल पुराना बिल्डिंग हमारे आसपास में कहीं देखा नहीं है। द रीज़न इज़ के कॉन्क्रीट यहाँ पे 30, 40 या 50 साल में वीक होने लगता है। बिल्डिंग रहने लायक रहती नहीं है, लीकेज के प्रॉब्लम होते हैं और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होने लगती है। उसका रीज़न क्या है? देर आर टू रीजन्स। वन इज़ उसको सही तरीके से बनाया नहीं गया, और दूसरा रीज़न है कि उसमें किस टाइप का पानी इस्तेमाल किया गया है। आज की बात करें तो आज बोरवेल का जो पानी है, मोस्टली सारे डेवलपर्स बोरवेल का पानी ही इस्तेमाल करते हैं, और बोरवेल का जो पानी है वो आज इतना अच्छा नहीं रहा है। उसका TDS लेवल बहुत ही ज़्यादा है, और हाई TDS लेवल वाला जो पानी होता है वो कॉन्क्रीट के लिए अच्छा नहीं है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं आती। तो वी आर ऑल्सो यूजिंग बोरवेल वाटर। तो उसका सोल्यूशन हमने कुछ इस तरह से निकाला है कि हमने एक फिल्टर प्लांट लिया है जो बोरवेल के पानी को, उसका TDS लेवल को बहुत कम कर देता है। वैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे इस साइट पे जो बोरवेल वाटर है उसका पानी का TDS लेवल है करीब 800 से 900। जो हम फिल्टर प्लांट यूज़ कर रहे हैं वो TDS लेवल को रिड्यूस करके ले आता है 275 to 300 के करीब, और वो पानी हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्क्रीटिंग, मैशनरी एंड क्योरिंग में, ताकि जो कॉन्क्रीट जो बन रहा है उसकी लाइफ अच्छी रहे और हमारे जो भी बायर्स हैं उनको कम्फर्ट हो, मतलब उनको लंबे समय तक उसमें कुछ रिपेयरिंग वगैरह कुछ करना ना पड़े। ये 24/7 चलता रहता है और बोरवेल के पानी को सॉफ्ट करके एक अलग से टैंक में स्टोर करता है।